नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन में सत्कार, प्यार, अपनापन और जीवन के दुख को दूर करने का साधन है। प्यार एक ऐसा एहसास है, प्यार एक ऐसा साधन है जिससे जीवन बहुरंगा हो जाता है। प्यार में सजने का मन करता है, संवरने का मन करता है, खुद को देखने का मन करता है। सच मानना प्यार ही है जिसकी वजह से जिम चल रही है, ब्यूटी पार्लर्स चल रहे हैं, लोग अच्छे ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड चीजें ले रहे हैं। ये सारा का सारा स्वैग, सारा का सारा टशन प्यार का ही तो है। प्यार ही है तो जीवन में आप रोमांटिक और रोमांचित होते हैं। प्यार है तो आप धन कमाते हैं, अपने बच्चों से प्रेम है, बीवी से प्रेम है, अपने घर वालों से प्रेम है जिनके लिए कुछ करना चाहते हैं आप। प्यार सच्ची श्रद्धा है, प्यार अपने आप में पूजा और साधना है। भक्ति का दूसरा नाम प्रेम है, अमलया भक्ति बोलते हैं, यानी परमात्मा के प्रति श्रद्धा और विश्वास का नाम भी तो प्रेम है। एक लाइन है बड़े सादगी से समझना कि प्यार में आदान प्रदान नहीं होता। कोई चीज देनी और कोई चीज लेने के ऊपर अगर प्यार चल रहा है तो वो प्यार नहीं, व्यापार है जिस पर बहुत बड़े परसेंटेज में लोग काम कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कपूर के महाप्रयोग की। कपूर एक ऐसी सामग्री है जो जीवन में प्रकाश नहीं लाता, केवल और केवल आरती नहीं करता। कपूर केवल और केवल पूजन सामग्री नहीं है। कपूर अपने आप में एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा बल है, एक ऐसी सामग्री है जिससे आपके जीवन में प्यार आ सकता है। प्यार के सबसे बड़े आइकन भगवान कृष्ण और प्यार की वास्तविक प्रतिमूर्ति भगवान शिव। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनकी मैरिज लाइफ सबसे बेहतर है। उन्होंने ना कभी किसी से और से प्रेम किया, ना कभी किसी को चाहा, ना किसी को माना, सिर्फ और सिर्फ पार्वती को ही हर जन्म में पाने वाले, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में भगवान शिव हैं। जब हम कपूर को उनके सामने जलाते हैं और कपूर जलाते समय दुनिया में कहीं भी अगर कपूर जलाया जाएगा तो एक ही मंत्र बोलते कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव की प्रतिमूर्ति है कपूर। कपूर साक्षात भगवान है। कपूर एक ऐसी ताकत है जिसमें अग्नि अपने आप विद्यमान है। साक्षात देवता दो ही है, ज्वलनशील, एक सूरज और दूसरी अग्नि। साक्षात शांत देवता दो है, एक जल और एक चंद्रमा। तो अग्नि कहीं ना कहीं प्यार की प्रतिमूर्ति है, प्यार की आग है ना, साहब वॉर्म फीलिंग है ना, वो ठंडे होके नहीं होगी, उसके लिए आग चाहिए और वो कपूर में विद्यमान है अपने आप। प्यार में सुंदरता चाहिए जो कपूर में विद्यमान है। कपूर से ज्यादा सुंदरीकरण कहीं नहीं होता, कपूर से ज्यादा सफेद कुछ नहीं हो सकता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी के साथ भगवान शिव को प्रणाम करने का नाम कपूर है। देखो, कुतर्क मत करना, समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। ये मैं शिव पुराण की उस महिमा का मंडन कर रहा हूं आपके सामने कुछ मिनटों में, जिसके लिए वर्षों कम पड़ जाते हैं। कपूर शिव पुराण का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। विश्व का कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र पूजा पाठ कपूर के बगैर सक्षम नहीं हो सकता। आप कोई भी हवन करें बिना कपूर के कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। सब कुछ नहीं हो तो चलता है,
कोई भी एकाध सामग्री नहीं हो, यहाँ तक कि हवन में देशी घी ना हो तो भी चलता है, केवल स्वाहाकार करके आप काम चला सकते, लेकिन कपूर नहीं हो तो नहीं चलता। यद्यपि आज कपूर थोड़ा असली नकली की भावनाएं हर सामग्री में हो गई तो कपूर में भी, लेकिन ओवरऑल कपूर एक ऐसी चीज है जो सीधा वनस्पति तंत्र से मिला हुआ वस्तु है। कपूर बनाया नहीं जाता, कपूर क्रिएट नहीं किया जाता, कपूर प्रकृति क्रिएट करती है। जितनी भी ज्वलनशील चीजें वास्तविक हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, कपूर हो, ये सब वनस्पति है अपने आप में। ये ऐसी ही चीजें हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है। ये सारी की सारी चीजें जितनी भी जलने वाली हैं, ये सब मंगल और शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। शनि और मंगल अनुकूल हो जाए तो प्यार में दिक्कत आती ही नहीं है। प्यार में दिक्कत सबसे ज्यादा तब आती है जब आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, आपका मंगल खराब हो, शनि और मंगल एक साथ विद्यमान हो। जब जब आपके प्यार में अवरोध आए, रुकावट आए, तो समझ लेना मंगल शनि हमारा कुंडली में ठीक नहीं है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके झगड़े हो रहे हो, अगर आपका विवाद हो रहा हो, आपके रिलेशन डगमगा रहे हो, आपका रिलेशन टूट रहा हो या टूट चुका हो या टूटने की संभावना बन रही हो, सब कुछ होकर के भी कुछ नहीं बचा हो आपकी लाइफ में, तो समझ जाना मंगल और शनि खराब है। मंगल शनि ठीक होता है कपूर से। कर्पूर बोलते हैं एक्चुअली इसका वास्तविक जो नेम है, कर्पूर। कर माने दो हाथ होते हैं, दोनों हाथों को आपस में मिला दिया जाए तो पूर्ण बनता है, यानी दो लोगों को आपस में जब जोड़ा जाए तो कर्पूर बनता है। समझने की कोशिश करना, बहुत अंदर की बातें कर रहा हूं मैं बड़े बड़े ग्रंथों की बहुत गहराई वाली बातें एक साथ सहज रूप में आपके सामने परोस रहा हूं, आपके सामने साझा कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं वो सारी की सारी चीजें जिससे आप 100% बेनिफिट ले सकते हैं। समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी ताकत की का अनुमान कैसे लगाओगे तुम। केवल मैं बोलूं भैया कर्पूर ले आओ और ऐसा कर दो वैसा कर दो ठीक हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, समझ ही नहीं पाओगे, वो भाव ही नहीं लेके आ पाओगे, वो मन में उसके प्रति श्रद्धा विश्वास कहां से लाओगे उसको जब तक आप समझ नहीं लेते। ये अपने आप में वनस्पति है और वनस्पति तंत्र जानने वाला व्यक्ति ये समझता है कि कर्पूर की सबसे ज्यादा महत्वता है। वनस्पति तंत्र जानने वाला, समझने वाला ये बात जानता है कि कर्पूर ही है इससे जीवन सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है, खासतौर से रिलेशनशिप में तो ये रामबाण औषधि है। झगड़े हो रहे हो, फसाद हो रहा हो, बिगड़ रही हो चीजें, हाथ से फिसल रहा हो आपका रिश्ता, टूट गया हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बात नहीं कर रहा हो, रिलेशन नहीं बन पा रहे हो, शादी नहीं हो पा रही हो, आपस के तालमेल ठीक नहीं हो, प्रेम नहीं हो रहा हो, एक दूसरे से झगड़े हो रहे हो, कोई भी समस्या होने दो भैया, उसका सीधा समाधान है कपूर में। तुम रोज मुझे कहते हो कि आपका कॉल नहीं लगता, आपसे बात नहीं हो पाती। अरे हम कह रहे भैया हमसे बात मत करो, हम कोई भगवान नहीं है, हमें साधारण इंसान रहने दो, हम तो तुमको ही इतना बड़ा ज्ञानी और पंडित बना देंगे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें किसी और की, ना मेरी ना किसी और की। महामहोपाध्याय कोई हो ही नहीं सकता तुम्हारे अलावा, तुम ही हो जो सर्वश्रेष्ठ हो, तुम हो जिन्होंने दुनिया बनाई है, तुम हो जिन्होंने राजा बनाए हैं, तुम ही तो हो जितने प्रधानमंत्री बनाया है, तुम ही तो हो जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। अरे भाई तुम सीधे शब्दों में क्यों नहीं समझते कि तुम भगवान बनाने वाले लोग। भक्त नहीं होता, भक्त नहीं होता तो भगवान कहाँ होता, भक्त नहीं होता। एक बड़े अच्छे शायर ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है कि अगर भक्त नहीं हो तो भगवान नहीं हो सकता, अगर भक्त नहीं है तो भगवान संभव नहीं है। भक्तों के दिल में, भक्तों के दिल में जगह गर न पाते तो किस दिल पे होती ही हुकूमत तुम्हारी, न हम होते मुजरिम तो न तुम होते हाकिम। तो भैया कैसे हुकूमत करते हाँ? भक्त नहीं होता तो भगवान भी नहीं होता हाँ? भक्त ही भगवान बनाता है, भक्त ही भगवान क्रिएट करता है। तो तुम ही तो हो सब कुछ, तुम दूसरे को क्यों बड़ा बनाना चाहते हो? मुझे पड़ा बड़ा मत क्या करो, मैं तुमसे भी बहुत छोटा हूं, तुमसे बहुत सामान्य हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम बड़े हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छे हो, तुम सब कुछ हो भाई, किसी और को मत बनने देना कुछ, तुम्हें अच्छा बनना है।
हम हमेशा कहते हैं कि तुम्हें मूल्यवान बनना है, तुम्हें धनवान बनना है, तुम्हें समृद्धवान बनना है, क्यों तुम्हें मुझसे बात करनी है, मुझे कारण बताओ बात करने का। तुम दुखी हो, तुम तकलीफ में हो, तुम मुसीबत में हो, इतने सारे वीडियो बनाए हमने, देखो ना यार एक एक करके, कोई तो तुम्हारे मतलब का होगा, कहीं तो मिलेगा तुम्हारे, कहीं तो मिलेगा वो बांके बिहारी, हाँ कभी तो मिलेगा तुम्हारा वाला वीडियो जिसमें तुम्हारे मतलब की बात होगी। शर्त एक ही है, भटक मत जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। कभी किसी ने मुझे कहा, मैं सब्जेक्ट से भटक नहीं रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं। कभी मुझे किसी ने कहा अच्छी बात करूंगा, चलो, कभी किसी ने मुझे कहा कि आप बहुत बहुत अच्छी बातें करते हो, आप बहुत बढ़िया बातें बताते हो। मैं कहा भाई मैं अच्छी अच्छी नहीं बताता, तुम्हें लगती अच्छी है, ये तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास है, मैं कुछ नहीं जानता। हमारे जैसे बहुतेरे और लोग बैठे हैं जो बता रहे हैं अच्छी अच्छी बातें हैं, उनकी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तुम्हारे मतलब के लोग नहीं है। तंबाकू खाने वाला तंबाकू वाले को, सिगरेट पीने वाला सिगरेट वाले को, दारू वाला दारू वाले को, और सत्संगी सत्संगी को ढूंढ ही लेता है। अपने अपने मतलब की चीजें लोग अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। हो सकता है तुम्हारे हमारे आपस के तालमेल बनते होंगे, हम दोनों एक ही मतलब के होंगे, या तो हम दोनों तकड़े नशेड़ी होंगे, या तो तकड़े सत्संगी होंगे, कुछ तो है हमारे आपके बीच का संसर्ग जो खींच रहा है एक दूसरे को। खींचने दो ना इसको, इसको बढ़ने देना। तो चलो, वैसे बड़ी शिकायत है लोगों को कि मैं सब्जेक्ट से भटक जाता हूँ मुझे बातचीत करनी बहुत पसंद है, मैं सच मानो वास्तविकता में समझो कि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, लेकिन हाँ फोन पे बहुत नहीं बोलता फोन पे मैं सुनता ज्यादा हूँ, यहाँ ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ टारगेट कर रहा हूँ, शायद बहुत सारे लोगों को एक साथ समझने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए। तो अब बात कर रहे हैं हम कपूर की, कपूर महाप्रयोग में कैसे काम आता है, कपूर तुम्हारे अपने जीवन के अंधकार को कैसे दूर करता है, कपूर तुम्हारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ कैसे तुम्हें बना सकता है, कपूर से तुम कैसे सक्षम हो सकते हो, तुम्हारा रिलेशन कैसे अच्छा हो सकता है, कपूर का क्या और किस प्रकार प्रयोग करें जिससे आपके अपने जीवन में सारे दुख तकलीफ दूर हो जाए। तो चलो जान लीजिए क्या करना है और कैसे करना है कपूर का उपयोग। अब आपको एक व्हाइट पेपर लेना है बिना लाइन वाला, आप ध्यान से समझना, व्हाइट पेपर बिना नाम वाला, उसको बहुत सहजता से सरलता से समझने की कोशिश करना। उसमें करना यह है कि अगर आपसे कोई रूठा हुआ व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आपसे दूर चला गया है, आपसे बात नहीं कर रहा, आपकी बात समझ नहीं रहा, तो अब यह उपाय आप कर लेना, सादे पेपर में उसका खूब अच्छे से नाम लिखना और उसे आदेश करना कि तुम जहां भी हो मैं तुम्हें आदेश देता हूं या देती हूं, मुझसे बात करो अति शीघ्र, टाइम मत लिखना वरना तुम भगवान बन जाओगे। हम भगवान नहीं बन सकते, हम माध्यम बन सकते हैं। अति शीघ्र बात करो मेरे से, ऐसा लिख करके उस कागज के ऊपर घी और कपूर का लेप करना दोनों तरफ खूब अच्छे से, उसको हल्का सूखने देना, और उसके बाद जलाते समय भी बिल्कुल आपका मन मस्तिष्क वैसा ही होना चाहिए कि मैं आदेश करता हूं जाओ और मेरे से बात करो, ये भावना वैसी ही रखना अंदर, भगवान शिव की कृपा होगी तुम पर। और अपने इष्ट से बोलना ये बात कि मेरी कही हुई बात मेरी पूरी कराओ, मेरे गुरु का आदेश है ये, मैं ऐसा करूंगा तो हो जाएगा। अब देखो उपाय काम करते हैं तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास पर, उपाय काम करते हैं तुम्हारी अपनी कनेक्टिविटी पर, तुम कितने कनेक्ट हो, सिर्फ जबरदस्ती किए जा रहे हो या तुम्हें लगता हो भी जाएगा, बहुत सारे किए हैं, इस वाले से भी शायद हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, इससे ही होगा, इसी से होने वाला है, यस हो जाएगा, भरोसा रखो। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई आपको आपके साथ चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपका कुछ ले लिया है, आपसे दूर चला गया, या जिस भी चीज से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको सात कलावे लेने हैं। सात कलावे में सात गांठ लगा लीजिए, हर गांठ पर कपूर बांधिएगा, ध्यान से समझिए, हर गांठ पे आपको कपूर बांध लेना है, बन जाता है, बड़ी बड़ी अगर टिकिया लेंगे तो बांधा जा सकता है, नॉट गुड, मतलब सब मुश्किल नहीं है।
एक और तरीका है, ब्लेड से थोड़ा बीच बीच से आप निशान बना लोगे ना तो आराम से बन जाएगा, खूब प्यार से बन जाएगा। आप बांध के उनको आपको ऐसे हैंग करना है, और हैंग करना है किसी भी ऐसी लकड़ी पे, किसी भी ऐसी काठ की लकड़ी की कोई चीज होनी चाहिए, या तो वो चंदन जैसे महावृक्ष की हो, और या तो बेल जैसे महावृक्ष की हो। बेल भी अपने आप में बड़ा चमत्कारी वृक्ष और फल है, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, बहुत बहुत औषधीय गुण हैं इसमें और बहुत चमत्कारी प्रयोग होते हैं इससे भी। तो उसकी डंडी हो लेकिन उसके कांटे सहित हो। अगर आप चंदन की लकड़ी ले रहे हैं तो पतली होनी चाहिए, मैक्सिमम उसकी मोटाई अंगूठे के बराबर हो, और अगर आप बेल की ले रहे हो तो कम से कम 3 उंगली के बराबर की मोटी लकड़ी हो, और 1 बलिस्ते से कम ना हो, इतनी से कम ना होने पाए, उसी में आपको हैंग कर देना है। हैंग करने के बाद कोशिश कीजिए कि उस लकड़ी को अभिमंत्रित कर लीजिए। मंत्र बहुत सहज है, पहली बार इतना छोटा और इतना सरल मंत्र बता रहा हूं। ओम धुम धुर्जटाय नमः, ओम धुम धुर्जटाय नमः, ओम धुम धू और मा, धूप जैसे होता है वैसे धूम है, धूम मचा दे वाला धूम, धूम धुर्जटाय नमः, उससे आप 108 बार बोल के उसे अभिमंत्रित कर लें, और उसको आग में ही हैंग करिएगा और उसे चलने दीजिए। अगर लकड़ी तक आग पहुंच जाए तो समझ जाना तुम्हारा काम होने वाला है, जब तक नहीं पहुंचे तो बार बार करते रहना। ये काम आप कर सकते हो सोमवार या शुक्रवार को, कई बार करने के बाद लोगों को देखा गया है 1 से 2 बार में लाभ पहुंचना शुरू हो जाता है, किसी किसी को 5 से 7 बार भी करना पड़ता है। कपूर का एक और महाप्रयोग है जिसको आप करके बहुत आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकते हो। एक पका हुआ कलश लेना है, और उस कलश के अंदर साइड में, मतलब जो अंदर वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में अष्टगंध लगा दीजिए। अष्टगंध नहीं मिले तो रोली भी लगा सकते हैं, और कपूर इसमें थोड़ा ज्यादा खर्च होगा, तकरीबन 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक, 200-400 रुपए का खर्च है, कर लीजिए कोई बात नहीं। दोनों हाथों से नाप के 1 अंजुल कपूर अंदर डालिएगा। अब करना यह है कि उस 1 अंजुल कपूर को डाल करके उस कलश को भगवान जी में रख करके उसके मुंह में आपको 7 दिन तक लगातार अपनी अभीष्ट मनोकामना बोलनी है, और बिल्कुल आदेशात्मक दृष्टि से। और 7वें दिन आपको करना यह है किसी भी खुली जगह में रख करके उसको पूरा जला देना है। अगर आपका कलश चटक गया तो आपका काम कंप्लीट है, नहीं चटका तो दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, अगली बार करेंगे, बार बार करेंगे, जब तक चटकेगा नहीं तब तक आपको उसको कंटिन्यू करना है। यह सब चमत्कारी है, यानी इसमें मंत्र अपने आप जागृत हो जाता है और वो काम करता है अंदर के अंदर। होगा कुछ लोगों का, आपको कुछ कमेंट्स में देखने को मिलेगा, बल्कि आप सबके साथ ही होगा। एक और बहुत बहुत चमत्कारी उपाय है, और इसको हम लोगों ने हजारों लाखों बार किया है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस उपाय को करके, मतलब मुझे लगता है कि शायद पंडितों ने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, मैंने भी थोड़े बहुत अपनी बात भी बता देनी चाहिए। तो ये बहुत बहुत वास्तविक और बहुत रियल उपाय है। इस उपाय को करने के लिए थोड़ा सा आपको समझदार होना पड़ेगा, थोड़ा सा तकनीकली करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअली करने की जरूरत है, पर आप कर पाएंगे, बहुत बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको थोड़ा कपूर चाहिए ज्यादा मात्रा में, और उसको आपको चूरा बना लेना है। उस चूरे में आपको मिलाना है चीनी और गुड़ दोनों ही, चीनी गुड़ और कपूर, ये 3 सामग्रियां होगी। चौथी सामग्री होगी कमल के गट्टे, वो भी कूटे हुए पीसे हुए। 5वीं सामग्री बेल का गूदा, वो भी कूटा हुआ और पीसा हुआ। 6ठी सामग्री हो गई चंदन का बुरादा, वो पीसा हुआ ही मिलेगा तुमको। और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण सामग्री पीली सरसों। इन सारी की सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, और उसमें थोड़ा सा देसी घी अच्छे से मिक्स करके उसके ना छोटे छोटे गोले बना लीजिए, मिक्स करके अच्छे से, और उन गोलों को आग जला करके, जलती हुई आग, वो
बम 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 वाली नहीं, अंगार जैसी आग बनानी है। अंगार जैसे आग में आपको एक एक करके डालना है और कम से कम 51 गोले आपके बनने चाहिए, 27 से कम तो करने ही नहीं चाहिए, वैसे 51 सफिशियंट रहता है। 51 गोले करिएगा, 51 गोलों का आप उस आग के ऊपर रख रख के एक गोले के बाद दूसरा गोला तब रखना है जब वो बहुत अच्छे से सुलगने लग जाए, जब बिल्कुल उसके अंदर से खूब मस्त वाला धुआं निकलने लग जाए। ये काम थोड़े खुली जगह में करिएगा, थोड़ा स्पेशियस जगह लेकर के करिएगा, इससे घर शुद्ध होगा, घर के तंत्र मंत्र इंद्र विराट जो भी है वो समाप्त हो जाएंगे, आपके ऊपर किया कराया खत्म होगा, आपके व्यक्ति के ऊपर किया कराया खत्म होगा, आपके घर में धन की वृद्धि होगी, आपकी अभीष्टनों कामनाओं की सिद्धि हुई, नौकरी के ऊपर कच्चा काम करता है, व्यापार नहीं चल रहा तो काम करने लगता है। ये काम लोग रेगुलर भी करते हैं, कितने सारे ऐसे हमारे जानने वाले जो हर एकादशी कर लेते हैं, हर पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं, ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है। और एक बात, पान के पत्ते में, पान का पत्ता लीजिए, पान के पत्ते को घी से खूब उसमें पॉलिश कर लीजिए, उसके ऊपर पान का पत्ता हाथ पे रखिएगा, अगर आपको डर लगे तो आप 2 से 3 पत्ते भी रख सकते हैं, उसके ऊपर भगवान की आरती रख करके करने से, बहुत सावधानी से करिएगा क्योंकि घी लगाए जलने की संभावना ज्यादा रहती है। भगवान की सूक्ष्म आरती, वो बड़ी वाली आरती नहीं, बस वही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम, ऐसा बोल के भगवान के सामने रखते हैं। ऐसा करने से आप जो भी मनोकामना चाहते हैं वो पूरी होने लग जाती है। एक और बात, महत्वपूर्ण बात, कपूर को अपने साथ रखने से लगातार जो भी व्यक्ति 7 दिनों तक कपूर को अपने साथ रखता है, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी कार्यक्रम है, 7 दिन तक अपनी बॉडी के किसी भी अंग में एक ही जगह पर रेगुलर कंटिन्यूटी में नहाने के समय रह सकते हैं, कंटिन्यूटी में 7 दिन तक रखने से वो कपूर आपकी बॉडी के लिए सिद्ध हो जाता है। अब सिद्ध हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपके साथ कोई कपूर सिद्ध हो जाए तो सबसे बेहतर बात होती है कि आपको जो भी कष्ट है वो कपूर में आ जाता है, जो भी पीड़ा है, आप डिप्रेशन में हो, आप किसी चीज से परेशान हो, जो भी तकलीफ है, ऐसा करके दूर रख के जलाने से वो चीज ठीक हो जाया करती है। तो बहुत आनंदित रहे, बहुत स्वस्थ रहे, बहुत मस्त रहे, आनंद करें अपने जीवन में और खूब खुशहाल रहे, आपके जीवन की हर समस्या समाधान पा ही जाए, तुम खूब खुश रहो, तुम्हारे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए, सा शुभाशीष देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।